नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं मास्टर वीडियो ऑफिशियल, और इसमें हम जिक्र करने वाले कि रेलवे में जो टीटी होते हैं उनका सैलरी कितना होता। इससे पहले हम साझा किए हुए थे कि ट्रेनिंग टाइम में कितना सैलरी होता। अभी बात करेंगे ऑन ड्यूटी, जब वो ट्रेन में जाते हैं दूसरी जगह, फिर एक्स्ट्रा बनता है सैलरी, तो उसका भी हम बात करने वाले हैं। तो देखिए, टीटी तो दो टाइप का हो गया, एक तो हो जाता है लेवल 3 के और एक होते हैं लेवल 5। इसमें अभी जो हम साझा करने वाले हैं वो लेवल 3 वाले हैं, ठीक ना। दोनों का काम सेम ही होता, कुछ खास डिफरेंस नहीं होता, पर ये अभी हम लेवल 3 वाले, जो इनका फर्स्ट मंथ का सैलरी है, ये दिसंबर महीने का सैलरी। इससे पहले इन्हीं का हम ट्रेनिंग का सजा किए हुए थे। तो यहाँ पे देखिए क्या सब मिलता है। हाँ, कुछ लोग पूछ रहे थे कि एक्स्ट्रा कितना आता, तो वो हम इंटरव्यू के टाइम में सजा करेंगे। एक उनसे इंटरव्यू लिया जाएगा तब सजा करेंगे कि जो वो चालान काटते हैं या कुछ करते हैं तो उसमें उनका एक्स्ट्रा कितना बनता है। खैर, अभी हम सजा करने वाले हैं कि उनका जो सैलरी आता वो कितना आ रहा है। यहाँ पे अगर देखें आप, तो बेसिक पे जो है उनका वो 21,700 है बेसिक पे। डीए वो 47% के आसपास है अभी, तो 9,982 रुपया है। हॉर्स रेंट अलाउंस अगर देखें तो 1,953 रुपया है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस 2,628 रुपया है। नेट ड्यूटी अलाउंस 1,346। नेशनल हॉलीडे अलाउंस, उस दिन भी काम किए होंगे तो 477। और ट्रेवलिंग अलाउंस सबसे अधिक बनता है, जो भी ट्रेन में सफ़र कर रहे होते हैं ना, जो रनिंग स्टाफ होते हैं, जैसे कि ALP हो जाए या फिर गुड्स गार्ड हो जाए, उन लोगों का ये अच्छा खासा बनता है। सबसे अधिक उसमें बनता गुड्स गार्ड का, क्योंकि ट्रेन लेट होती है, उनमें भी उनका बनता, जो ट्रेन मैनेजर होते हैं तो उनका काफ़ी अधिक होता। तो ये कुल मिला के इनका जो टोटल जो पेमेंट आया, ग्रॉस पे जिसको कहते हैं, वो इसमें आया है 45,186। 45,186 सैलरी देखो तो आप, ये करीब बराबर हो जाता है लेवल 4 के आसपास का। और इनके साथ अगर नेट पे इनका देखें, मतलब कटा क्या है, जो रिकवरीज है यहाँ पे, तो इनमें इनका इंश्योरेंस स्कीम में 9 रुपया कटा है। प्रोफेशनल ये 200 रुपया। SCRMU जो यूनियन होता उसके लिए 100 रुपया कटता है। जनरली सबको रेलवे में यूनियन में जुड़ना ही पड़ता, तो कहीं पे इसका कॉस्ट 50 रुपया है, कहीं पे 100 रुपया है, कहीं कहीं पे 200 भी है। तो मेरा भी 100 रुपया कटता, इनका भी यहाँ पे 100 रुपया कटता। और एक चीज़, मतलब जैसे इनमें अभी NPS नहीं कट रहा, NPS तो वो कटेगा तो संभवतः 3,000 के आसपास वो भी कट जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी जो इनका सैलरी है अगर देखो आप, तो 44,800 मतलब कह सकते हो आप 45,000 सैलरी इनका बन रहा है। इसमें से आप 3,000 घटा दोगे तो करीब 42,000 जो है इनका सैलरी बन रहा है। और ये एक एवरेज है, क्योंकि मैं इनका देखा, बहुत अधिक नाइट ड्यूटी या फिर बहुत अधिक ऐसा नहीं है। वीक में 3 दिन काम करते हैं, 3 दिन रेस्ट होता, अच्छा खासा नौकरी। हालांकि विशेष जो है वो इंटरव्यू में ही पता चल पाएगा, तो इनका जरूर हम इंटरव्यू लेंगे, अभी लीव पे हैं। तो खैर, इस वीडियो में इतना ही। कुछ अगर दूसरे स्टाफ का जानकारी जानना चाहते हैं कि सैलरी कितना है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, साझा करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यहाँ पे ये आप देख सकते हो, ड्यूटी जो है कोई ऐसा नहीं है। बहुत लोग कह रहे होते हैं कि सर ये 2 महीने का होगा, 3 महीने का होगा। यहाँ पे आप देखो लिखा हुआ है ड्यूटीज डे 31 दिन, मतलब 31 दिन का ड्यूटीज है, जिसमें पुराना जब जूता है ना तो ए लग जाता है, यहाँ पे ए लग के डियरिंग अलाउंस, तो पिछले महीने का पैसा आता है। तो ये ऐसा कुछ नहीं है, सब इस महीने का है। तो खैर, इस वीडियो में इतना ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।